आज इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की तरफ से नारद पुरस्कार का जो आयोजन आज किया गया है और उस अवसर पर आप सभी पत्रकार जगत के महत्वपूर्ण लोग यहाँ उपस्थित हैं, मंच पर भी अविनाश जी उपस्थित है, अन्य अतिथि और आप सामने सारे पत्रकार जगत के महत्वपूर्ण गणमान्य लोग, आप सभी को अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। वैसे काफी अच्छी परंपरा बनी है कि पत्रकार जगत में बड़े परिश्रम के साथ, अध्ययन के साथ और बिना दबाव के, बिना किसी बात से अन्यथा प्रभावित होते हुए सच्ची सच्ची बात बोलना, ये वैसे आसान नहीं होता, कठिन ही होता है, लेकिन आप सब लोग उस कार्य को निरंतर समाज हित में करते रहते हैं और करते रहना चाहिए। शायद इसी के लिए ये पुरस्कार का नाम भी नारद पुरस्कार रखा गया है। तो नारद पुरस्कार का अर्थ ही ये है कि आप जिन मूल्यों के साथ काम कर रहे हैं उन मूल्यों पर आप सतत चलते रहे। वो मूल्य सत्य के हैं, वो मूल्य सत्य है लेकिन उसमें समाजित भी है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भाई मैंने तो सत्य बात बोल दी। हाँ सत्य है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वैसे मैं कहूंगा सत्य जो लोक हित में हो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्रकार की भी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है और वो भी इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए समाज हित में क्या होगा उस बात को ध्यान में रखकर चलते रहना। फिर आजकल टेक्नोलॉजी है, कई चीजें बैठे बैठे भी की जा सकती है, लेकिन आज के समय में भी मैं देख रहा था पिछले दिनों, चाहे कोई घटना हो, दुर्घटना हो, चाहे चुनाव हो, सारे लोग जमीन पर लगातार दिन रात, मतलब 24/7 और धूप में कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे थे। ये निश्चित ही जमीन पर जो रिपोर्टिंग वास्तव में समाज के बीच में जाकर समझने का जो ये प्रयास है और वो जनता तक लाने का जो प्रयास है, मैं मानता हूँ कि वो नींव है अपने पत्रकारिता की और जिसको आप सब लोगों ने अभी जीवित रखा है। और ये जब तक जीवित है, ये जमीन पर जाकर वास्तविक जानने का, समझने का और उसको प्रस्तुत करने का ये तरीका मुझे लगता है तब तक जीवित है, तब तक हमारा लोकतंत्र, हमारी जो देश की जो ये लोकतांत्रिक पद्धतियां, ये निश्चित रूप से उसको संबल मिलेगा और वो जीवित रहेगी। तो मैं इन सब बातों के लिए आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं और ढेर सारी शुभकामना देता हूं। वैसे हमारा राष्ट्र तो बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, काफी वर्षों से चला रहा है और काफी वर्षों, हजारों वर्षों तक आगे चलेगा। मतलब उसकी जो निरंतरता है, उसका जो आधार है, वो आधार ही सत्य के साथ चलने का है। और जहां जहां खरी खरी बात हो उसको आपस में बांटने की जो अपनी पद्धति है और जिसके कारण केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं, दूसरों के भी हित क्या है, दूसरों का भी किसमें हित होगा, ये बात को सोचकर हमेशा व्यापक समूह के हित के बारे में सोचना, ये जो एक परस्पर भाव समाज में लगातार चलता ही जा रहा है और उसके कारण हम हैं और हम रहेंगे। और इसलिए समाज में ये भाव लगातार बनता रहे, बढ़ता रहे, इस बात का सभी को ध्यान रखना है। समाज का आपस का जो सद्भाव है, परस्पर एक आत्मीयता है, प्रेम है और हम
वैसे हमारी अपनी अपनी विशेषता भी है। मैं किसी प्रोफेशन से आता हूँ, मैं किसी प्रदेश से आता हूँ, किसी भाषा से आता हूँ, और या समाज के किसी अन्य समूह से आता हूँ। हमारी अपनी अपनी विशेषता है, मेरी व्यक्तिगत विशेषता भी है, मेरे स्वभाव की विशेषता है, मेरी कुशलताओं की विशेषता है, परंतु ये सब विशेषताएं हमें जोड़ने के लिए हैं, एक दूसरे के उपयोग में आने के लिए है, ताकि हम अपनी सब मिलकर हम एक सक्षम बन जाए, सब मिलकर हम मजबूत हो जाए, और वो मजबूती हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए निरंतर मजबूती प्रदान करती है। और इसीलिए इस मजबूती पर, इस हमारी भावना पर कभी कभी संकट आते रहते हैं, और लगातार ऐसा एक वातावरण भी तैयार भी होता है कि पता नहीं क्या होगा, परंतु ऐसे समय में मुझे लगता है कि हमें पुनः पुनः उन बातों का स्मरण करना जरूरी है जो बातें हमें जोड़ती हैं, और इसीलिए उन बातों को जितना हम स्मरण करते हैं उतना उतना हम लोग जुड़ते चले जाते हैं। हमारी भाषाएं अलग है, लेकिन भाषाओं को जोड़ने वाली भी बातें हैं, हमारी भाषाओं में बहुत सारी समानताएं हैं। हमारा समाज में हम लोग अपने बहुत सारे तौर तरीके हैं, फिर भी समाज को सबको लेकर चलना ये हमारा एक समान तरीका है। हम कई प्रकार के देवताओं की पूजाएं करते हैं, कई प्रकार की पद्धतियां अपनाते हैं, परंतु फिर भी हम जानते हैं कि हमारे देश को जोड़ने वाले तत्व कौन से हैं। इसलिए अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है, तो वो हमको जोड़ने वाला तत्व है, और मैं ऐसे मानता हूं कि समय समय पर इतने वर्षों की यात्रा में ऐसे संकट बहुत आए कि जिससे ऐसे लगा कि समाज पूरा बिखर गया, लेकिन पुनः पुनः समाज में जो अच्छी शक्तियां हैं, समाज की सज्जन शक्तियां हैं, ऐसे सभी लोगों को पुनः पुनः ऐसे सब मौके पर खड़े होना चाहिए, और पूरा समाज कैसे एक हो इसके बारे में सोचना और समझना चाहिए। स्वाभाविक रूप से पत्रकारिता के जुड़े हुए लोगों की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे वक्तव्य देते रहते हैं, सारी बातें बोलते रहते हैं, कभी आधार की कभी बिना आधार की भी बोलते रहते हैं। क्या हमें किसी ने कुछ बोल दिया बस इसीलिए उसको प्रस्तुत कर देना है बिना आधार के समाज के सामने, और उसको कितना प्रस्तुत करना है इसके बारे में भी सोचना आवश्यक है, क्योंकि हम केवल तटस्थ ही रहेंगे कि भाई समाज पर इसका क्या परिणाम हो, राष्ट्र का भविष्य क्या हो, नहीं हम तो तटस्थ हैं, तो मुझे लगता है ये शायद तटस्थता राष्ट्र हित में नहीं होगी, और इसलिए राष्ट्रहित ये हमेशा रखना ही पड़ेगा। और इसलिए किसी ने कुछ बोल दिया, उसने तो शायद अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बोला, लेकिन हमने तो उसको बड़ा चढ़ा कर लिख दिया, तो मुझे लगता है कि ये शायद संयुक्तिक नहीं होगा, और इसलिए इस बात के बारे में बड़ा आग्रह आने वाले समय में राष्ट्रहित में आप जैसे लोगों को रखने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा सुझाव है। ये हमारे राष्ट्र का आगे बढ़ने का समय है, लगातार आगे बढ़ने का, पूरी क्योंकि किसी राष्ट्र के लिए इतना आसान नहीं होता कि कुछ 500-700 वर्षों तक इधर उधर बिखरता रहे और उसके बाद फिर खड़ा होना, तो मुझे लगता है कि बहुत वर्षों के बाद ये मौका आया है कि जब अपना राष्ट्र आगे बढ़ने के लिए तैयार है, केवल एक संगठन नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूँ, केवल संघ नहीं पूरे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे समूह हैं, वो सब आगे बढ़ने के लिए अपना अपना योगदान देकर प्रयासरत है। ऐसे सब लोग जुड़कर ये अवसर जो है ये हाथ से नहीं जाना चाहिए, एक बहुत अच्छा अवसर हमारे राष्ट्र के सामने है, राष्ट्र के करोड़ों लोगों के सामने जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान का ये समय है, और वो समस्याएं जब देश में सुख और शांति तब रह सकती है जब बहुत सारे लोग मिलकर इसका प्रयास करें,
और इसलिए ऐसी किसी भी चीज को उस पर हावी नहीं होने देना या इस प्रक्रिया को उन सारी बातों से बचाना, ये मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। और इसलिए मीडिया से संबंधित अगर मैं कहूँ तो ऐसी बिना आधार से कही गई बातों को कितना प्रसारित करना, वो एक देखने का समय है, या जो बात जैसी कही गई वैसा ही उसको प्रस्तुत करना, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसलिए जैसे कहते हैं कि कुछ प्रोफेशन है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, कि जिसमें आप गड़बड़ करेंगे तो मतलब मनुष्य के शरीर के साथ गड़बड़ होगी, अगर आप उसमें कुछ फेक करेंगे तो मनुष्य के शरीर के साथ उसके जीवन और मरण का ही प्रश्न उत्पन्न होगा। मुझे लगता है कि आजकल के समय में जब हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज के ज़माने में चल रहे, तो हर व्यक्ति की धड़कन जो है वो लगी रहती है कि क्या चल रहा है, क्योंकि हर कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, हर कोई व्हाट्सएप पे समाचार भी देख रहा है, इधर उधर की बातें भी देख रहा है या और भी सारे। और मुझे लगता है अभी तो हर एक की धड़कन भी उससे जुड़ी हुई है। पहले कई लोग थे मतलब समाचार जाने में भी बहुत समय लगता था तो धड़कन बैलेंस हो जाती थी, अभी तो तुरंत ऊपर नीचे दिन में चार बार होता रहता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जान से नहीं खेलना चाहिए, थोड़ा आराम से सोच कर बैठ कर, और ये बातें जो है अचानक, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का शक्ति ऐसी है कि आपको ये लगेगा कि हमने तो छोटी सी बात कर दी, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब आपके सामने जो यंत्र है वो यंत्र की कैपेसिटी अब केवल एक 30-40 हज़ार छपने वाले न्यूज़पेपर में छपने के लिए नहीं है, अब वो यंत्र करोड़ों करोड़ों लोगों तक कुछ क्षण में ही पहुंच जाता है, और आपका रिवर्सल या डिस्क्लेमर बाद में किसी काम में नहीं रहता है, किसी काम का नहीं रहता है। और इसीलिए इन बातों के बारे में मुझे लगता है आज के समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर नारद जी का हम सही स्मरण कर रहे हैं तो उनसे इन बातों का, ये राष्ट्रहित या समाज हित, और उसके लिए इन मूल्यों की आवश्यकता, इस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात सही है कि समाज में, समाज हित में कोई बात अगर अहित की होती है, कोई गड़बड़ होती है, कोई करप्शन होता है, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई भेदभाव होता है, तो निश्चित रूप से शासन की जिम्मेदारी है कि उनको वो दंडित करे, उचित समय पर सही तरीके से दंडित करे, ताकि राष्ट्र के सभी लोगों का हित जो हो वो संरक्षित हो। और समाज की ये जिम्मेदारी है, समाज की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समाज में प्रतिष्ठा न मिले और समाज में अच्छे लोग तैयार हो, ताकि हमारा समाज एक अच्छा समाज बने। और इसलिए हमारे आज के समय में भी, जब हम AI के ज़माने में पहुंच गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो मैं फिर भी कहता हूं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब मशीन हमें कमांड न करे, हम मशीन को कमांड करें, यानी AI और HI के बीच में अगर हम रख रहे हैं तो मुझे लगता है हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो ऊपर रहना चाहिए, और इसलिए हम लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए। कभी कभी आजकल ऑटोमोटेड आ गया है, कभी कभी हम पूछते हैं, लोग बोलते, अरे नहीं वो तो ऑटो मोड पे था ना, वो आ गया होगा न्यूज़, आजकल AI पिकअप कर लेता है। भाई AI कैसे पिकअप कर लेता है, AI तो आपके इंटेलिजेंस से चलना चाहिए ना, हाउ इट कैन डू इट बाय इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि ये जीवन के हर क्षेत्र में है, और ये मूल सांस्कृतिक प्रश्न है हमारा, कि हमारी संस्कृति, हमारे जीने के तरीके, हमारे मूल्य, ये मशीन AI नहीं तय कर सकता, ये हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस अच्छी तय करेगा, और उस दृष्टि से उसका महत्व बराबरी से रहना चाहिए। वो जैसे हर क्षेत्र में रहना चाहिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भरपूर रहना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र तो है ही ह्यूमन इंटेलिजेंस का। तो मुझे लगता है कि इस बात पर सोचना बहुत ज़रूरी है, और निश्चित रूप से जैसे शासन का कर्तव्य है कि गलत लोगों को दंडित करे, समाज का कर्तव्य है कि उनको अनावश्यक प्रतिष्ठा न दे, और ये भी कर्तव्य है कि अच्छे लोग समाज में तैयार हैं। जहां तक मैं सोचता हूं कि हम लोग लगातार, हमें तो आदत है अपने, मेरा जीवन, हम लोग तो लगातार संघ कार्य में ही लगे हैं, तो हम लोग अपने प्रयास में, रोज के काम में यही बात ध्यान रखते हैं कि
हम कैसे अच्छे बन सकते हैं और अपनी ऐसी एक प्रक्रिया बन जाए, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेशन हो जाए, क्योंकि व्यक्ति के मन तो आगे पीछे होता रहता है, इसलिए ऐसी कोई प्रक्रिया बन जाए कि जिस प्रक्रिया से लगातार ये बातें होती रहे और लगातार इस प्रक्रिया का पूरा समाज में, हमारे समाज में, हर परिवार में, समाज की जितनी भी प्रोफेशन से, हर जगह इस प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जिससे हम लगातार अच्छे तरीके से चलते रहे। अभी आजकल लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी अभी 25 जून को ही आपातकाल का पुनस्मरण हुआ और आपातकाल तो एक हमारे देश का एक मतलब ऐसा दिन था, ऐसा समय था कि स्वाधीनता होकर केवल 25 वर्ष ही हुए और हमारे देश में लोकतंत्र पर, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारियों पर संकट आया, और वो संकट कहीं विदेश से नहीं आया था, वो हमारे देश के ही राजनीतिक तंत्र से आया था। और इसलिए इस बात का बड़ा महत्व है कि आने वाले समय में, मतलब इस बात की हमेशा इसको स्मरण क्यों नहीं करना चाहिए, इसका स्मरण करना ही चाहिए, क्योंकि ये बात हमें बार बार स्मरण करेगी कि भाई कौन लोग है, जिस कैसे लोग है, किसी प्रवृत्तियां है और क्या कारण है जिसके कारण ऐसी संभावनाएं बनती है कि हमारे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक अधिकारियों पर संकट आएगा। हम तो आज दुनिया में बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा, और मुझे लगता है कि हमारे देश में इतने लोग, करोड़ों लोग मतलब इसमें सहभाग लेते हैं, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे संविधान ने हम लोगों को ऐसे जीवन, स्वतंत्र रूप से, समान रूप से जीवन जीने का एक अधिकार प्रदान किया है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने इसको सुनिश्चित किया, उस संविधान के भी आज 75 वर्ष हो रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण बात है कि उस समय हम संविधान के उन प्रावधानों का, उस लोकतंत्र को जरूर स्मरण करें। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि ये लोकतंत्र की ताकत है कि अगर कोई इस तरह से करता है तो लोकतंत्र में ये ताकत भी है उनको सत्ता से दूर करने की। और निश्चित रूप से आपातकाल में बहुत बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और मुझे स्मरण है कि कई लोग हैं कि जिन्होंने, जिनको कहा गया कि थोड़ा झुक जाओ, लेकिन वो तो पूरा ही शरणागत चले गए थे, कंप्लीटली सरेंडर हो गए थे। लेकिन पत्रकारिता में बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने उस समय भी अपने अपनी जो रीढ़ है, स्पाइन है, उसको बिल्कुल अच्छे से सीधा रखा और निश्चित रूप से इस काले समय का विरोध किया। और मुझे लगता है कि ये निरपेक्षता, ये सीधी बात करना पत्रकारिता की विशेषता है, लेकिन राष्ट्रहित ये महत्वपूर्ण है, उसका संदर्भ कभी भी नहीं छूटना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक तो हमेशा की तरह अपने कार्य में लगे रहते हैं, परंतु जब भी कोई राष्ट्र के ऊपर संकट हो तो निश्चित रूप से वो स्वाभाविक रूप से ही उस संकट से लड़ने के लिए आगे आते हैं। आपातकाल के समय में भी मैं तो बहुत वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में रहा, संघ के, मैं तो उस समय छोटा था, परंतु आपातकाल में बहुत सारा ऐसा संघर्ष हुआ, देश के विद्यार्थी, संघ के कार्यकर्ता और सारे समाज के लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया, बहुत सारी प्रताड़नाएं लोगों ने झेली। और स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में ये होता है कि पहले बातचीत की जाए, पहले ये बातचीत की जाए, एक तरीका होता है बातचीत का, ज्ञापन का, निवेदन का सरकार के साथ कि भाई आप अच्छे से इसको सोचकर, पुनर्विचार करके इसको समाप्त कर दो। नहीं करते हैं तो फिर आंदोलन का रास्ता रहता है, समाज रास्ते पर आता है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता है। मुझे लगता है कि हमारे आपातकाल के हटने के भी जब उनसे बातचीत की गई तो कोई जब हल नहीं निकला तो समाज के स्वयंसेवक और समाज के सारे लोग रास्ते पर आए, और मुझे लगता है उस आंदोलन से ही आपातकाल को हटाना पड़ा। तो ये संघर्ष से गया है, किसी की कृपा से, किसी के बात करने से ये नहीं गया है आपातकाल। तो ये समाज को ये बात समझना चाहिए कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो समाज सक्षम है उसके लिए लड़ने के लिए। और इसीलिए कई बार
आजकल बड़ी फैशन चल पड़ी है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी लोग अपने राजनीतिक दृष्टि से कुछ ना कुछ वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को इसके बारे में स्पष्ट जानना चाहिए, समझना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सतर्क समाज जो है वही अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है। वो रास्ते पर लिखा रहता है ना कि घटी और दुर्घटना घटी, तो मुझे लगता है ये सतत ध्यान देने का समय है और बहुत अच्छा है कि आसपास के कई देशों में जब ऐसे तानाशाह आए तो वो लंबे समय तक चलते रहे, परंतु भारत की ये विशेषता है कि निश्चित रूप से ऐसे आपातकाल जैसे जब प्रसंग आए तो समाज खड़ा हो गया, और निश्चित रूप से आने वाले समय में राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की जो दिशा है उसने गति पकड़ ली है, और इसलिए हम सब लोगों को मुझे लगता है कि हम किसी भी प्रोफेशन में हो और किसी भी तरह से हम उसमें योगदान करने की स्थिति में हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इस दृष्टि से समाज में एक अच्छा वातावरण बने, ये महत्वपूर्ण कार्य मुझे लगता है कि पत्रकारिता के जगत के जितने भी लोग हैं उनका है, और आप सब लोग उस दायित्व को भलीभांति निभाने का प्रयास करते रहेंगे ये मेरा विश्वास है, और उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। आज जिनको भी सम्मानित किया जा रहा है उनको मैं बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामना देता हूँ, और आने वाले समय में वो निश्चित रूप से वो लोग और अन्य हम सभी उनके साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे, इसके लिए पुनः एक बार शुभकामना।